आज हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर स्टोरेज एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे पृथ्वी में बहुत सारा पानी है, लेकिन आज के समय में भी पानी की जैसी समस्या आती जा रही है। अब वो ऐसे क्यों? जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में 97% पानी होता है जो समुद्र का ही होता है, और वो खारा होता है, उसे हम पीने योग्य नहीं होता। और जो उसका जो पानी पीने योग्य होता है 1.67% होता है, जो एक्चुअल ग्राउंड वाटर टेबल में होता है। और जो पानी होता है 0.006% वाष्प के रूप में होता है। अब हम बात करेंगे कि जैसे व्हाट इज द ग्राउंड वाटर स्टोरेज क्या होता है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। कभी कभी क्या होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको किस तरीके से लिखना होगा। फर्स्ट फर्स्ट हम बोल सकते हैं व्हाट इज ग्राउंड वाटर स्टोरेज, कि ग्राउंड वाटर स्टोरेज क्या होता है। ग्राउंड वाटर इज दैट विच इज वाटर इनसाइड द अर्थ, यानी कि जो वाटर हमारे जमीन के अंदर होता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। इट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। वेन एवर इट रेन वाटर गोज टू टू प्लेस, जब भी वर्षा होती है तो जो पानी दो जगह प्लेस होता है, फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड सब सरफेस। अभी हम बात करेंगे ये दोनों के बारे में। सरफेस की, जैसे कि हम सरफेस की डेफिनेशन की बात करें, तो द वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस वाटर, जो पानी सरफेस पर उपस्थित होता है उसे हम सरफेस वाटर कहा जाता है। वेन एवर इट रेन द वाटर इज डिस्ट्रीब्यूट इन टू प्लेस ऑन द फर्स्ट सरफेस एंड सेकेंड सब सरफेस विच इज सरफेस वाटर विच गेट्स डिस्ट्रीब्यूट एंड कनल्स एंड रिवर। जैसे कि जो हमारा वाटर सरफेस पर जो पानी हमारा उपलब्ध होता है, तो वो पानी या तो हमारे कनल्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है या रिवर में मिल जाता है। एंड हम बात करते हैं अब सब सरफेस की, क्योंकि जो सब सरफेस क्या होता है, सब सरफेस, इट इज कॉल्ड सब सरफेस। वेन एवर इट रेन वाटर रिमाइंस ऑन सम सरफेस, सम वाटर गोज इन टू द ग्राउंड, इट गोज इन साइड द ग्राउंड बाई फोल्ड एंड दिस वाटर बिकम्स इलिस, वी कैन ऑल्सो कॉल इट इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस मेड विद दिस इन ऑल आवर सरफेस वाटर। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जो ग्राउंड सब वाटर सरफेस क्या होता है। जैसे कि वर्षा हुई, वर्षा का पानी जो कुछ सतह पर रह जाता है और कुछ जो जो सॉइल होती है इसकी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। पानी अब्जॉर्ब करने के बाद जो क्या होता है, इसमें पानी जमीन के अंदर चला जाता है, और जहाँ पानी अपना जो स्टोर होता है उसे हम बोलते हैं अनकन्फाइनाइड एक्यूफायर। ओके, और इसे हम कभी कभी फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वाटर है, वाटर हमारा रिचार्ज किस तरीके से होता है। तो जब भी वर्षा होती है, तो वर्षा होने के बाद जो पानी होता है हमारा जमीन पर गिरता है। जमीन पर गिरने से क्या होता है, जो हमारे मिट्टी होती है, मिट्टी कुछ पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो पानी को एब्जॉर्ब करते करते वो अपना जो पानी है, पानी को फिल्टर करते करते एक्यूफायर तक पहुंचा देती है। लेकिन क्या होता है, ये एक तरीके की प्रोसेस तो होती है पानी को एक्यूफायर को मेंटेन करने के, लेकिन उस लेवल का मेंटेन नहीं हो पाता जिस जरूरत के अनुसार हम उस पानी को ले रहे हैं। तो इसको करने के क्या होता है, तीन स्टेप और होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक्यूफायर बताऊँ कि एक्यूफायर क्या होता है। जैसे कि जो जमीन के नीचे जो पानी होता है उसे एक्यूफायर कहा जाता है। और जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की तीन प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस होती है हमारी स्पेडिंग मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, तालाब सब गड्ढा बना देते हैं, गड्ढा में हम पानी भर देते हैं, और में हम वर्षा के पानी को सरफेस के ही ऊपर जमा रखते हैं, और यह नेचुरल आर्टिफिशियल एक्यूफायर प्रोसेस होती है इसे, और हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कहते हैं। आज के समय में इस मेथड की यूज काफ़ी हो रहा है। कभी कभी आपने देखा भी होगा जो ग्रामीण गांव में कई तालाब बनवा दिए जाते हैं, लेकिन ये तालाब बनाने का मेन मोटिव ये होता है कि जो वाटर लेवल हमारा कम होता जा रहा है उसको मेंटेन करना। अब हम बात करते हैं किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर जो पानी है स्टोर किया गया, तो यह पानी क्या होता है, नीचे नीचे रिश्ते रिश्ते क्या होता है, जो एक्वीफायर तक हमारा पहुँच जाता है। एंड इसकी जो सेकंड प्रोसेस होती है वाटर को रिचार्ज करने की, जैसे कि कोई आपने गाँव में देखा होगा कि जो हेडपम्प होते हैं, हेडपम्प में कभी कभी क्या होता है, पानी चला जाता है। अब ये पानी चला जाता है तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि हेडपम्प खराब हो गया, लेकिन हेडपम्प खराब नहीं होता, उसका जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल कम हो जाता है। अब इस वाटर लेवल को कैसे मेंटेन किया जाए, इस वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए हम करते क्या है, उसे जो जो जहाँ पर हमारा हेडपम्प लगा है उसमें हम 6x6 का गड्ढा करते हैं, और गड्ढा करने के बाद उसमें हम कुछ पत्थर डाल देते हैं, और जब भी वो जो वर्षा होती है, जब भी वर्षा होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर वर्षा हुई, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जब भी वर्षा होती है यहाँ पर जो क्या होता है, जो पानी में पानी आ जाता है, पानी भर जाता है, और जो पाइप है इसमें क्या ड्रिल मशीन से इसमें छेद कर देते हैं। छेद करने के बाद क्या होता है, जो पानी धीरे 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 जो ग्राउंड वाटर के नीचे चला जाता है, जिससे क्या होता है, और ये पानी सीधे
एक्वीफायर तक जाता है और वाटर लेवल को ज़्यादा कर देता है। फिर अगर हम ज़्यादातर न्यू हैंडपम्प खोदने की बजाय हम इसे ही मेंटेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, इंडिकेट इन्फिल्ट्रेशन मेथड। ये भी इस मेथड में हम दो तरीके से पानी को प्रोसेस कराते हैं। फर्स्ट प्रोसेस होती है, जैसे कि यहाँ पर एक फर्स्ट गड्ढा बना दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको ये जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इस गड्ढे में क्या होता है, वर्षा का पानी जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ा ये गड्ढा होता है। इसी तरीके के पाइप में हम ये दूसरे वाले को रेन वाटर कन्वर्टिंग पाइप के द्वारा इसमें पानी पहुंचा दिया जाता है। फिर हम इसमें देखते हैं कि जो पानी है, पानी में हम इसमें कैंटर में हम पानी को स्टोर करते हैं और इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन मीडिएशन लगा रहता है, जिससे कि जो पानी में जो पार्टिकल्स होते हैं तो उनको क्या करता है, रिमूव कर देता है। और ये रिमूव करने के बाद ये धीरे धीरे पानी होता है नीचे, यहाँ पर इसके एक पाइप लगा रहता है और ये पाइप क्या करता है, जो पानी को नीचे एक्वीफायर तक ट्रांसफर कराता है। ये सबसे क्विक फर्स्ट मेथड होती है एक्वीफायर तक पानी को पहुँचाने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।